हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप लोग सब मस्ती में होंगे। मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं लुधियाना में नेटिंग डिजाइन और ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाता हूँ। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक सीमलेस पैटर्न का एक और डिजाइन। इसके लिए आप पहले लोगे पॉलीगोनल टूल, कंट्रोल दबा के आप बनाओगे एक हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब हो गया जिसकी साइज 6 हो। अब इसके अंदर हम कोई चीज फिल नहीं करते। और इसके बाद क्या करेंगे, हम ये लेंगे फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल को यहाँ पे नोड पकड़ के इस नोड तक क्लिक कर, और यहाँ पर हम स्मार्ट फिल यूज करेंगे और इसे साइड पे निकाल लेंगे, इनको डिलीट कर। अब इस आधा हेक्सागोनल है हमारे पास है, इसको अगर ऐसे प्लर देंगे तो इस तरफ और इस तरफ, तो इससे आप काफी डिजाइन्स बना सकते हो। ठीक है, अब ये देखो एक डिजाइन में अभी बिल्कुल सिंपल डिजाइन बनाता हूँ। इससे अगर मैंने इसे ऐसे पलट दिया और क्या करते हैं, इस तरफ से इस तरफ की सेडिंग और इस तरफ से इस तरफ की सेडिंग चेंज कर लेते हैं, फिर क्या होगा। हम जी दबाते हैं, पहले जी दबा के हमने यहाँ पे सेडिंग को ही बना ली। चलो ब्लैक एंड व्हाइट में ही बनाते हैं। इसको यहाँ पे रखा, इसको इसके सेंटर पे रख लिया और इस भाई साहब को सीधा खड़ा कर। ठीक है, इस जगह पे थोड़ा ज्यादा व्हाइट आ गया हमारा, पर चलो कोई नहीं, हम ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, और इसे डिलीट कर दो क्योंकि दोबारा उधर बनाने से बेटर है कि आप इसको मिरर कर लो। नहीं नहीं मिरर तो हम कर नहीं सकते, चलो मिरर कर लेते। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको हम सेम फिर इस तरफ भी हम बना लेते हैं एक सेडिंग। बस ब्लैक हम इस तरफ रखेंगे और व्हाइट इस तरफ। ठीक है, अब इसके हम कॉर्नर को हटा देते और ग्रुप कर लेते। इसके बाद क्या करेंगे, इसे थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरफ वाले लाइन, और इसे इधर कॉपी करके हम इसको नीचे की तरफ ले आते और फिर इन दोनों को साथ में लगा देते। इसको इधर लेते हैं और इसे फिर रोटेट कर देते हैं और इसको यहाँ पे सेंटर पे लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको हमने ग्रुप कर लिया और इस नोड को पकड़ के यहाँ पे लगा दिया और इस भाई साहब को लेके यहाँ पे लगा दिया और इसको यहाँ पे लगा दिया। इतने में हमारा रिपीट निकल जाना चाहिए। अब हम रिपीट निकाल लेते हैं, इस जगह से लेके इस जगह पे और इस जगह से लेके इस जगह पे, इतना बड़ा रिपीट बनेगा। तो हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, पहले इसको ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल ए और ग्रुप कंट्रोल जी। अब हम रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल को यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक कर लेंगे और
शिफ्ट दबा के इसे क्लिक करेंगे और इंटरसेक्ट करके साइड पे निकाल लेंगे। ये कलर क्यों चेंज हो गया? हमने इसको अलग से रेक्टेंगल ले लेते हैं, इस नोड से इस नोड तक, इसमें कलर हटा देते हैं और उसके बाद इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट होने के बाद कलर चेंज हो जा रहा है, वैसे जनरली होना नहीं चाहिए क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी सेम रहनी चाहिए। पर चलो कोई नहीं, हो सकता है कोई सेटिंग मैंने छेड़छाड़ दी हो। अब इसको हम इस तरफ रिपीट कर लेते हैं। आपको मिरर करते हुए जाना होगा, अगर आप इस तरीके से रिपीट करोगे तो आप मिरर करोगे, अदरवाइज मैंने पहले दूसरे दो तरीके के रिपीट पहले बताए हुए हैं आपको करने के लिए, और उस तरीके से करते हो तो वो अलग है। अभी हम मिरर के द्वारा कर रहे हैं। तो ये आपका एक डिजाइन बन के रेडी हो गया। आशा करता हूँ ये डिजाइन आप लोगों को पसंद आया होगा, ये वीडियो भी पसंद आया होगा, ये मेथड भी पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक करो, शेयर मत करो। थैंक यू वेरी मच।